चैतन्य महाप्रभु आज से 5-6 वर्ष पहले आए थे, जब बंगाल में नवद्वीप में लीला कर रहे थे, उसी समय बंगाल के राजा सुबुद्धि राय थे। तो राजा राजाओं में जैसे तख्ता पलटता है, तो तख्ता पलटने के बाद में हुसैन शाह बादशाह हुआ के राजा बन गए। तो उनके बेगम ने देखा कि उनके पीठ पर 3 निशान है। उन निशान को देख करके पूछा कि आपको ये निशान कहाँ से लगा, कैसे, क्या हुआ? बता नहीं रहे थे। बोले कि ऐसी बात है, अंत में यही कहा कि सुबुद्धि राय जब राजा थे, उस समय मैं उनका प्रधान एक अफिसर था, मैंने बहुत रुपए पैसे की धोखाधड़ी की, तो उसके दंड स्वरूप हमें फांसी देना था तो नहीं दिया, उन्होंने केवल 3 कौड़ी का सजा दिया, 3 चाबुक मारा था पेट पर, तो उससे ये निशान बना। बेगम ने कहा कि इसका बदला लेना है। कैसे बदला है? बोले उसको प्राण दंड देना। बोले ये कभी संभव नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, नव हरामी नहीं करूंगा। तो बार बार कहने पर बोले कि इसके लिए कुछ प्रतिशोध लेना जरूरी है। कुछ समय बोले कि क्या करना है? बोले कि अच्छा बदरा का पानी पिला दो और जाति से भ्रष्ट करो। इसी तरह से उसको बुला करके बदरे का पानी पिला दी और जाति से भ्रष्ट करा दी। तो समाज भी ऐसा था कि समाज के लोग उसे ग्रहण करना नहीं चाहे कि ये जाति भ्रष्ट हो गया, अतः तो समाज में कैसे उभरे। तो उस समय स्मार्ट समाज ऐसा निर्णय दिया कि खौलता हुआ घी, गरम घी खौलता हुआ 1 किलो मुंह में डाल ले जबकि शुद्धि होगी, या लोहे का गोला आग में लाल तपाए हुए लाल हो जाएगा जब मुंह में रखे तब प्रायश्चित होगा। जो कोई प्रायश्चित का विधान बताए तो वो मरने के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी के पास में आए तो महाप्रभु जी से कहा कि हम क्या करें। महाप्रभु जी बोले आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक बार मेरे सामने कृष्ण नाम कह दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही 16 नाम 32 अक्षर महामंत्र कहा तो उनका प्रायश्चित हो गया। महाप्रभु जी बोले ऐसे समाज में, ऐसे संसार में नहीं रहना है, आप मथुरा में जाए, वहाँ केशव देव जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है आदि केशव का, उस प्रसिद्ध मंदिर में आप मंदिर में वहाँ रहेंगे और सीढ़ियों में झाड़ू लगाएंगे। बंगाली यात्री बाहर से परदेशी यात्री लोग आने पर उनको आप दर्शन करा दिया करेंगे ब्रजमंडल में। वे लोग आपको दक्षिणा स्वरूप जो कुछ पैसा भैसा देंगे उनको आप रख लेंगे। जो यात्री आएंगे उन्हीं पैसे से उन यात्रियों की सेवा करेंगे। क्या सेवा? यात्री लोग प्राय करके बंगाल के लोग या बाहर के लोग स्नान करते समय तेल लगाकर स्नान करते, अतः उनके स्नान के लिए तेल का पैसा उसी में आप पैसे को खर्च करेंगे और वहां रह करके झाड़ू लगाएंगे और वहीं मंदिर में सेवा करेंगे। इसलिए बंगाल के राजा सुबुद्धि राय आ करके इस केशव देव मंदिर में रहा करते थे। आज से 500 वर्ष पहले की ये प्रसिद्ध कथा है। ऐसे बंगाल भर में, समस्त भारत वर्ष में, बाहर में भी सर्वत्र प्रसिद्ध रहा है कृष्ण जन्म भूमि और आदि मंदिर केशव देव जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहलाता है। और विशेष करके ये जो शिव विग्रह आप लोगों ने दर्शन किया है, यही शिव विग्रह से बजरनाभ कृष्ण के परनाती आज से 5000 वर्ष पहले, जबकि महाराज युधिष्ठिर जी ने बजरनाथ जी को इस सुरसेन राज्य के राजा बनाया, उन्होंने जब ब्रजभूमि को प्रकाशित किया तब मथुरा में केशव देव जी को प्रकट किया। इसी प्रकार उन्होंने मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गोवर्धन में हरिदेव, ऐसे ही और बलदेव, या दूसरे कोई देव का वर्णन आता है, 4 देव 4 विष्णु और 4 महादेव, पोत्रा कुंड, विमला कुंड, पावन सरोवर और विश्वभर को, ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो स्थान है उन्हीं के द्वारा प्रकाशन किए हुए। बज्रनाथ जी ने इस प्रकार ब्रजभूमि को बसाते समय यहाँ पर शास्त्रीय पद्धति के अनुसार शिव विग्रह को प्रकट किया है, जो आदि केशव, जो मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह इत्यादि करके जहाँ पर भगवान देवताओं ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की,
हे भगवान, आपने मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह कल्कि आदि विविध अवतारों में अवतरित होकर जगत के जीवों पर करुणा प्रकाश करते हैं, पृथ्वी का भार हरण करते हैं। जदुत्तम बंधनम ते, हे जदुत्तम, आज स्वयं पूर्ण अवतारी होकर इस जदुकुल में अवतीर्ण हो रहे हैं। आज से बहुत पहले की बात है, अष्टम शताब्दी या 1200 शताब्दी में बंगाल के कवि कवि जयदेव जी हुए, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, तो उसमें भी केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरि, भगवान कृष्ण जिन्होंने मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह कल्कि राम परशुराम बलराम विविध प्रकार के अवतारों में अवतरित हुए हैं, ऐसे जो दशविध रूप जय जगदीश हरे दशावतार स्वरूप इन शिव विग्रह में आपको दर्शन के लिए मिलता है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण जहाँ पर मथुरा में यह देवकी के गर्भ से जब जन्म लिए प्रकट हुए हैं, तो दिव्य चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए 16 वर्ष के रूप जैसे ही प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की, स्तुति की, विदित असि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर, हे भगवान, आप आज हमारे सामने जो प्रकृति के अति परम परम पुरुष गोलोक बिहारी आज हमारे सामने प्रकट किए हैं, आज हम कंस के डर से डरे हुए हैं, और इस प्रकार आपके मोहन स्वरूप के ऊपर में अस्त्र का प्रहार करेगा, हमसे तो देखा नहीं जाएगा, आप अपने स्वरूप को गोपन कर। उस समय भगवान देवकी वसुदेव की स्तुति सुन करके उनको अपना स्वरूप दर्शन जो कराया था उसके लिए उन्होंने परिचय दिया कि आप लोग पहले जन्म में प्रश्नी और सुतुपा होकर के आए थे और बहुत काल तक हमारी आराधना की थी। उस समय आप लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने वरदान देना चाहा, तो आप लोगों ने वर मांगा कि आपके समान पुत्र हो। मैंने देखा मेरे समान पुत्र कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए मैंने अपने को ही दे दिया। जन्म जन्म में युग युग में मैं आप ही का पुत्र हो करके जन्म लेता हूँ। जब पहले प्रश्न सुतपा थे उस समय मैं प्रश्न गर्भ हो करके जन्म लिया। दूसरे जन्म में जब देव कश्यप और अदिति हो करके आए उस समय मैं वामन देव हो करके आया, और इस समय देवकी वसुदेव हो करके आए तो मैं कृष्ण हो करके आया। इसी प्रकार मैं स्वयं भगवान हूँ, पराक्रम दत्त हूँ, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं या कंस से कोई भय की चिंता नहीं। फिर भी देवकी वसुदेव के प्रति के खातिर उन्होंने कहा, अच्छा मुझे गोकुल में रख करके आइए। तो उनके सामने देखते देखते हरिवंश में वर्णन है कि प्राकृत शिशु बहु उनके सामने छोटे से बालक बन गए। उस समय माता देवकी ने एक बार के लिए उन्होंने स्तन को पिला दी और वसुदेव महाराज जी यहीं से कृष्ण को अपने सिर पर उठा करके रात को 12 बजे पीछे से अनंत देव फन लगाए हुए छत्र धारण किए हुए रिम झिम धीरे धीरे पानी बरस रहा है, और सभी लोग सोए हुए रात्रि के मध्य भाग में यहाँ से कृष्ण जमुना को पार करते हुए उस पार गए गोकुल में। इसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण का आविर्भाव हुआ है, इसलिए यह प्रसिद्ध मंदिर आदि के सब कृष्ण जन्मभूमि कहलाता है। पीछे से ये भागवत भवन इत्यादि निर्माण हुआ है, उसके विषय में हम अंदर जाकर के दर्शन करेंगे और वहीं कुछ वर्णन करेंगे। यही पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, जब ब्रज में आए दर्शन करने को, तब पहले विश्राम घाट होते हुए कृष्ण जन्मभूमि में आए लाखों लोगों की भीड़, तो उस समय उन्होंने हरि कीर्तन किया, हाथ उठाया करके सभी को उन्होंने अकादर रूप से प्रेम दान किया। इसी प्रकार यहाँ के एक स्वर्णीय ब्राह्मण उनको आमंत्रित करके अपने घर ले गए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु समस्त ब्रजभूमि का दर्शन किया, इस स्थान पर आए, यह भी प्रसिद्ध कथा है। इसी प्रकार आदि के सब जी यहाँ पर विराजमान है। अभी इसमें